टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 11 चैप्टर कैश बुक. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट डबल कॉलम कैश बुक और टू कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक इट मीन्स दैट वन कॉलम इज फॉर कैश एंड अनदर कॉलम इज बैंक कॉलम. सिमिलरली आई हैव ऑलरेडी टॉट अबाउट द कैश बुक एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एंड सिंगल कॉलम कैश बुक. दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट डबल कॉलम कैश बुक. इन दिस बुक यू कैन सी इन देयर चैप्टर कि हाउ द फॉर्मेट ऑफ द डबल कॉलम कैश बुक मेड. नाउ वी विल आल्सो क्लासिफाई डबल कॉलम. पहले फर्स्ट कॉलम इज अ डेट, सेकेंड इज अ पार्टिसिपेंट, पार्टिकुलर्स विथ वाउचर नंबर एंड कैश. फिर उसके बाद बैंक कॉलम. तो ये जो है डबल कॉलम कैश बुक में मेन चीज़ क्या है कि सिमिलरली जैसे हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का होता था उसी तरह बस इसमें एक पार्ट और इंक्लूड हो गया है जो कि कैश के साथ बैंक कॉलम. तो जो ये बैंक कॉलम ऐड होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, डबल कॉलम कैश बुक. अब यहाँ पे बैंक ऐसे तो नहीं होगा, हम लोग जानते हैं ट्रांजैक्शन हमारा दोनों प्रोस्पेक्टिव से होता है, कैश भी होता है और बाय बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है, या बैंक में डिपॉजिटेड होता है या बैंक से विदड्रॉ होता है. अब इस तरह की चीज़ों को कैसे समझना है ये इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. तो इट इज़ अ कैश बुक विद अ टू कॉलम ऑफ On each side, one column for recording cash transaction and other column for recording bank transaction. तो इसमें आसानी समझ में आएगा, एक कॉलम जो कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, दूसरा कॉलम क्या करेगा, बैंक ट्रांजैक्शन. अब इसका प्रॉफिट क्या है मेंटेन करने का, क्यों हम लोग इसको बना रहे हैं, क्यों एक पार्टिकुलरली एक बैंक कॉलम को क्यों बनाया जा रहा है. द एडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग सच टाइप्स ऑफ कैश बुक इज दैट कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम रिप्रेजेंट कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट. और जब हम लोग कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट कैश बुक के थ्रू बना लेंगे तो देयर इज नो नेसेसरी टू ओपन कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट इन द लेजर. इसका मतलब हम एक बार ये बना लिए तो ज़रूरी नहीं है कि हमको लेजर में बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाएं. अब जब ये कैश बुक ऐसे बुक को प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या चीज़ माइंड में सेटअप करना पड़ता है. पहली चीज़ पर्सनल अकाउंट. बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट. हम लोग जानते हैं, ये पढ़े भी है टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स में कि बैंक अकाउंट कैसा अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट है. कैश कैसा हमारा रियल अकाउंट है. एंड एज सच द रूल अप्लीकेबल टू द पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर शुड बी फॉलोड वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक. Thus, for cash deposited into the bank, your bank would be receiver and would be debited in the bank column of the cash book. देखो इसमें है क्या कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें क्या मेन चीज़ क्या है, पहले ये पर्सनल अकाउंट है बैंक, और पर्सनल अकाउंट का एक रूल है, वो रूल फॉलो किया. दूसरी चीज़ कि कोई भी अगर कैश हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो डिपॉजिट का मतलब बैंक क्या हो गया, हमारा रिसीवर हो गया, और रिसीवर होने की वजह से वो क्या हो जाएगा, डेबिटेड हो जाएगा, डेबिटेड इन द बैंक. तो कोई भी चीज़ रिसीवर है एज पर द पर्सनल अकाउंट तो वो क्या होता है, डेबिटेड होता है. तो जो भी अमाउंट डेबिटेड होगा वो हम कैश बुक के डेबिट साइड पर बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे. जैसे क्या, जैसे कि अब हम लोग डेट भी पढ़े थे, फिर पार्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर, फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद बैंक. अब इसमें कह रहा है कि अमाउंट जो है कैश जो डिपॉजिट हुआ बैंक में, तो बैंक रिसीवर हो गया, ये हमारा डेबिट साइड होगा, और उसके जो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज़ अ क्रेडिट साइड. एक डेबिट साइड, दूसरा क्रेडिट साइड. तो डेबिट साइड की तरफ हम लोग क्या लिखेंगे, जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है है, तो रिसीव होने की वजह से यहाँ पर डेबिट साइड में हम लोग बैंक कॉलम में उस अमाउंट का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे. तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट को फॉलो कर रहा है पर्सनल, अगर बैंक कोई चीज़ रिसीव कर रहा है तो पर्सनल अकाउंट को फॉलो करते हुए उस साइड उसकी एंट्री कर देनी है. आफ्टर डैट
सिमिलरली द कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक यह फॉर द चेक इशू जो चेक इशू हो रहा है यह कैश को विड्रॉ किया जा रहा है मतलब कैश क्या बैंक क्या हो गया वो गिवर हो गया कोई चीज़ गिवर है एज पर द पर्सनल अकाउंट तो वो क्या होगा क्रेडिटर तो कैश बुक के क्रेडिट साइड पे बैंक कॉलम में क्या लिखना है वो अमाउंट का रिकॉर्ड करना है अब ओपनिंग बैलेंस क्या है एज अ कैश कॉलम विल ऑलवेज श्योर डेबिट बैलेंस हम लोग जानते हैं कि कैश कॉलम हमेशा क्या शो करता है डेबिट बैलेंस इट विल बी रिटर्न टू द तो इसीलिए जब डेबिट बैलेंस शो करता है तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं टू बैलेंस बी बाई डी ऑन द डेबिट साइड पर क्या लिखते हैं टू बैलेंस बी बाई डी बट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट बैंक कॉलम का अगर ओपनिंग बैलेंस वो हमारा डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है क्यों क्योंकि कभी कभी हम लोग ज़्यादा विड्रॉ कर लेते हैं या कभी डिपॉजिटेड ज़्यादा हुआ तो इसलिए इसका अकाउंट कॉलम क्या होगा डेबिट भी हो सकता है क्रेडिट भी हो सकता है इफ़ द डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट बैंक इज गिवन इन द क्वेश्चन तो हम लोग अगर डेबिट बैलेंस है तो टू बैलेंस बी बाई डी अगर क्रेडिट होगा तो वहाँ पर लिखेंगे बाई बैलेंस बी बाई डी कॉन्ट्रा एंट्री क्या होता है अब यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है कि कॉन्ट्रा एंट्री का क्या कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रा एंट्री क्या है तो जब कोई भी कैश डिपॉजिटेड हो बैंक में व्हेन द कैश इज विड्रॉ कोई भी मतलब एक दिन में ही कैश को डिपॉजिट किया बैंक में और कैश विड्रॉ हुआ फ्रॉम बैंक से फॉर द यूज़ ऑफ ऑफिस तो इसमें दोनों कॉलम हमारा इफेक्ट करेगा कैश कॉलम भी और बैंक कॉलम भी तो जहाँ पर एक ट्रांजैक्शन से ऐसा ईच सच ट्रांजैक्शन अफेक्ट द कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम जहाँ पर दोनों कॉलम अफेक्टेड होगा तो उसको कहा जाता है कॉन्ट्रा एंट्री अब यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री से समझना है कि कैश डिपॉजिटेड इन द बैंक अब यहाँ पे कैश डिपॉजिट किया जाएगा बैंक में तो यहाँ पे कैश डिपॉजिट इन टू द बैंक इसका मतलब बैंक क्या कर रहा है रिसीव कर रहा है बैंक क्या कर रहा है रिसीव और पर्सनल रूल के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ रिसीव हो रही है ठीक तो वो डेबिट होगा ठीक बैंक इज रिसीविंग द कैश डेबिट द रिसीवर और सिमिलरली कैश जो है वो विड्रॉ हो रहा है तो क्रेडिट द गिवर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट तो अब यहाँ पे इफ़ वी डिपॉजिट 2000 इनटू द बैंक ठीक वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक आर एस फॉलोस यहाँ पे देखो एग्जांपल के थ्रू समझाया भी गया है कि इफ वी डिपॉजिट 2000 इन द बैंक वी विल रिकॉर्ड इन कैश बुक 2000 डिपॉजिटेड कर रहे हैं और 2000 जब डिपॉजिट की जब हम लोग जनरल एंट्री बनाएंगे तो वो हो जाएगा कि क्या चीज़ कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट ठीक तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जस्ट डबल कॉलम कैश विद कैश एंड बैंक कॉलम तो यहाँ पर डेबिट साइड पर टू कैश लिखेंगे और देखते हैं यहाँ पे कैश के कॉलम पे ना लिख करके हम लोग बैंक के कॉलम में लिख रहे हैं ठीक और यहाँ पर टू कैश लिखेंगे जस्ट सपोजिट वर्डिंग का होता है आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड जो है टू बैंक लिख करके कैश कॉलम की तरफ लिखेंगे मतलब कि कॉलम इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि जब हम लोग इसको क्लासीफाई करेंगे यहाँ पे बैंक वर्ड नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे क्या लिखा जाएगा टू कैश मगर कॉलम किधर शो किया जा रहा है मतलब बैंक इससे हम समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर जो है बैंक ने रिसीव किया है इससे समझ में आ जाएगा कि बैंक ने यहाँ दिया है अब इसी तरह से दूसरी है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक कैश विड्रॉ हुआ तो यहाँ पे बैंक क्या हो जाएगा वो गिवर हो जाएगा अब गिवर होने की वजह से ये क्रेडिटेड होगा और कैश जो है विड्रॉ हो रहा है कैश आ रहा है तो कैश डेबिटेड होगा तो अब यहाँ पे जब इसकी एंट्री करेंगे तो टू बैंक अकाउंट कैश कॉलम की तरफ साइड लिखेंगे और इसके क्रेडिट साइड टू कैश बैंक कॉलम की तरफ तो इस तरह से ये होता है कॉन्ट्रा एंट्री आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पोस्टेड टू लेजर एज दैट डबल एंट्री इज कम्प्लीटेड तो कॉन्ट्रा एंट्री जो है वो नहीं रिक्वायर्ड करता कि इसको पोस्ट किया जाए क्योंकि यहीं पर ही हमने बैलेंस कर दिया है कम्प्लीट द कैश बैंक कैश बुक इट्सेल्फ
अब यहाँ पे अब दूसरा क्या है, रिसिट ऑफ चेक एंड बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट से है तो चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द सेम, वो भी चेक है रिसीव किया गया कस्टमर से और उसी दिन जो है डिपॉजिटेड कर दिया गया है बैंक में। तो जब चेक रिसीव होगा फ्रॉम कस्टमर तो यहाँ पर क्या आ रहा है कि अब यहाँ के अगर चेक इज़ नॉट डिपॉजिटेड तो यहाँ पर क्या है, दिस आर द एंट्री इन द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। तो इसकी एंट्री कहाँ होगी, बैंक कॉलम में डेबिट साइड। क्यों, क्योंकि देखिए चेक जो है रिसीव हो रहा है, मतलब कि बैंक के पास पैसा आ रहा है, बैंक रिसीवर हो गया, तो बैंक जब रिसीवर है तो वो डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक। और उसी दिन मतलब बैंक ने डिपॉजिट कर लिया उसी दिन, तो यहाँ पे एक एंट्री कर दी जाएगी बैंक कॉलम डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में एंट्री हो जाएगी। अगर चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से, सॉरी चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर बट नॉट डिपॉजिटेड, कस्टमर ने कोई चेक रिसीव किया और उसको उसी दिन बैंक में नहीं डिपॉजिटेड किया, मतलब चेक इन हैंड है तो चेक इज़ नॉट डिपॉजिटेड टू द बैंक ऑन द सेम डे एट द फर्स्ट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट बाय द नेम ऑफ जनरल एंट्री। तो जनरल एंट्री में कैश इन है, चेक इन हैंड एंड चेक रिसीव फ्रॉम कहाँ से हुआ है, बनर्जी से हुआ है, तो बनर्जी जो अकाउंट क्रेडिटेड कर दिया जाएगा। व्हेन द चेक इज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक इट इज़ रिकॉर्डेड इन कैश बुक बाय एंटरिंग द बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। अगर चेक डिपॉजिट हो गया है तो बैंक के साइड वो टू कैश इन हैंड हो जाएगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, तो उस एग्जाम्पल से हमको समझना है कि ऑन 5th February 2017 चेक इज रिसीव फ्रॉम गुरप्रीत ₹25,000। दिस चेक वॉज डिपॉजिटेड इन टू द बैंक ऑन 20 February, मतलब 15 तारीख को चेक रिसीव हो गया 25,000 का और वो डिपॉजिटेड हुआ है कब, 20 तारीख को, मतलब पाँच उसी दिन नहीं हुआ। तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ चेक द फॉलोइंग एंट्री विल बी, पहले एंट्रीज पास करेंगे। तो एंट्री कैसे पास की जाएगी, यहाँ पर होगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड, कहाँ से रिसीव हो रहा है, गुरप्रीत से, क्योंकि देखिए जब जिस दिन चेक नहीं डिपॉजिटेड होगा तो चेक इन हैंड वो डेबिटेड होगा और गुरप्रीत के अकाउंट से निकल रहा है तो वो हो जाएगा ये। अगर उस चेक को 25th को हम रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पर हम जिस दिन हमारी एंट्री होगी उस दिन हम लिखेंगे कैश अकाउंट चेक इन बैंक 22,000, वो हमारा डेबिटेड होगा और टू कैश अकाउंट वो हमारा क्रेडिटेड होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों को माइंड में रखना है। अब इसके बाद एक टॉपिक है पेमेंट ऑफ चेक, क्या पेमेंट ऑफ चेक, पेमेंट ऑफ चेक क्या है कि एज सून एज वी इशू अ चेक टू समवन इट विल बी इमिडिएटली रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम एंड सो दैट वी मे बी acquainted the true balance at the bank, ठीक। तो अगर पेमेंट ऑफ चेक हो गया है तो तुरंत बैंक कॉलम की तरफ, क्रेडिट साइड की तरफ बैंक कॉलम में ये रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको ट्रू बैलेंस चाहिए। डिसऑनर ऑफ अ चेक, चेक क्या हो गया, वो डिसऑनर हो गया। इफ़ अ चेक रिसीव फ्रॉम द कस्टमर डिपॉजिटेड इन टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो कलेक्शन के लिए जो वो डिसऑनर हुआ तो एन एंट्री विल बी मेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बाई एंट्रिंग द अमाउंट ऑफ द डिसऑनर चेक इन टू द बैंक कॉलम पार्टिकुलर। इसे एक एग्जाम्पल है, 20,000 रिसीव फ्रॉम रामकुमार, वो रामकुमार से 20,000 रुपये रिसीव किया गया और जो क्या हो गया है, डिसऑनर्ड हो गया है। तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एज बाई राम कुमार एंड फिर द अमाउंट विल बी एंटर इन टू द बैंक कॉलम। तो ये हुआ। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है बैलेंसिंग, इसकी बैलेंसिंग क्या करनी है, तो याद रखिएगा कैश अकाउंट कैश कॉलम हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अगर हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड कैश कॉलम है तो कैश का हमेशा डेबिट साइड जो होगा वो मोर देन होगा क्रेडिट साइड से, इसीलिए बाय बैलेंस CYD
लिखा जाएगा क्रेडिट साइड पर। तो बैलेंस हमेशा याद रखिएगा, कैश कॉलम का वो डेबिट बैलेंस होता है, मगर बैंक कॉलम का जो होता है वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस है इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि जितना बैंक में जमा था उससे ज़्यादा अमाउंट क्या हो गया, विड्रॉ कर लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बैंक अकाउंट जो है वो डेबिटेड होता है, क्रेडिटेड होता है उसका बैलेंसिंग। बैंक अकाउंट बैलेंसिंग इज डेबिटेड क्रेडिटेड बोथ एंड नन ऑफ दिस। तो बैंक अकाउंट का दोनों साइड का बैंक अकाउंट डेबिटेड बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिटेड बैलेंस भी हो सकता है। प्रिटी कैश बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पिटी कैश बुक क्या होता है? पिटी कैश बुक एक ऐसा कैश बुक होता है जहाँ पे बहुत ही माइनर सी चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, माइनर सी कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए प्रॉपर एक बुक बनाई जाती है कैश बुक, जिसको कहा जाता है पिटी। पिटी मीन्स होता है बहुत ही स्मॉल, मिनिमम। तो यहाँ पर मिनिमम चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है, मिनिमम कैश को रिकॉर्ड किया जाता है, इसी को लिए बोला गया है पिटी कैश बुक। अब इंटरेस्ट मीन्स होता है मनी एडवांस ऑन लोन। तो इंटरेस्ट मीन्स क्या होता है? इंटरेस्ट सिस्टम ऑफ पिटी कैश बुक, जो भी चीज़ एडवांस में लोन में दे दी जाती है वो चीज़। अब इसमें जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पिटी कैश बुक क्या है? तो जो स्मॉल से कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं, जैसे चाय का खर्च हुआ, अदर छोटे छोटे से स्टेशनरी का खर्च हुआ, तो कैश स्टेशनरी से पैसा रिसीव हुआ, या कुछ भी छोटे छोटे से एक्सपेंसेस और इनकम होगी, तो वो जो होगा उसको कहते हैं, उसको जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक को बोला जाता है पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक का मेथड क्या होता है रिकॉर्ड करने का? व्हेन द हेड कैशियर पे अ एडवांस टू द पिटी कैशियर टू मेक अ पेमेंट, तो इट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक एज अ पिटी कैश अकाउंट। अ पिटी कैशियर रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर इसी तरह से इसका मेथड होता है कि कोई भी कैशियर है, व्हेन द हेड कैशियर पे एडवांस टू पिटी कैशियर, पिटी कैशियर को कोई भी चीज़ एडवांस में पे कर रहा है, टू मेक अ पेमेंट इट्स रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द मेन कैश बुक। मेन कैश बुक के देखो पेमेंट हो रहा है कैश का, एडवांस में हो रहा है। तो यहाँ पर क्या एडवांस में कोई भी चीज़ वो लाइबिलिटीज होती है, तो उसको बाई पिटी कैश अकाउंट के थ्रू उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये है चैप्टर इसका, इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन लगाइए। इससे ज़्यादातर क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक क्या है? एक एंट्री दे दी जाएगी छोटी सी, बोला जाएगा कि ये बैंक अकाउंट के किस बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है वो किस साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिटेड क्या होगा, क्रेडिटेड क्या होगा, कितने कॉलम्स होते हैं ये पूछा जाता है इसमें क्वेश्चंस, और बैंक कॉलम का बैलेंसिंग कितना होगा, बैलेंसिंग क्या होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है कि नहीं होता, यही सारे चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।